खबर बिहार के सुपौल से है, जहां पर समधिन से नाजायज संबंध रखना समधी को भारी पड़ गया। समधिन की हत्या के आरोप में समधी को गिरफ्तार कर लिया गया। सनसनीखेज मामला किशनपुर थाना क्षेत्र के परसा बांधों का है, जहां पर बीते 21 मार्च को एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला था। किशनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। SDPO सुपौल के नेतृत्व में गठित टीम ने जब मामले की जाँच शुरू की तो मामला परत दर परत खुलता गया। दरअसल समधी ने ही समधिन की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया था। SP सैसव यादव ने इस मामले का खुलासा करते हुए मृतका पार्वती देवी का उसके समधी जगदेव शर्मा से नाजायज संबंध की चर्चा की। कहा गया इसके बाद जगदेव शर्मा ने पार्वती देवी के बहू पर भी बुरी नजर रखा, जिसके बाद इसका विरोध जब पार्वती देवी करने लगी, इसी से नाराज होकर जगदेव शर्मा ने अपनी समधी पार्वती देवी की हत्या कर उनके शव को ठिकाने लगा दिया। 24 के तारीख को एक किशनपुर थाना के परसा माधव गाँव में एक अधेड़ महिला पार्वती देवी का अर्धनग्न लाश मिला था। घटना की जानकारी होने पर कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। SDPO सदर SHO किशनपुर के साथ अन्य सदस्य थे, एक टीम का गठन किया गया और अनुसंधान के क्रम में यह जानकारी मिली कि जो मृतका पार्वती देवी थी, इसको इसके समधी जगदेव शर्मा से अवैध संबंध हो गया था। इसकी चर्चा क्षेत्र में काफ़ी होने लगी थी और इसके बाद जगदेव शर्मा का जो संबंध है इसके बहू के साथ भी अटैचमेंट होने लगा था, जिसका भी जानकारी क्षेत्र में होने लगा था, जिसका विरोध होता था और ये मृतिका उसी का विरोध करती थी। तो विरोध करने के कारण ये सब साजिश रच के उसे मार दिया और मार के लाश को खेत में फेंक दिया। और अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने इसे गिरफ्तार किया है। जगदेव शर्मा को ये अपना संलिप्तता स्वीकार कर रहा है, घटना को कन्फेस कर रहा है और लाश फेंकने में दो और लोगों का नाम आ रहा है, पूनम देवी और सोमनी देवी का। ये सब मिलकर ये घटना कारित किया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? अभी इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे सर और किसी की गिरफ्तारी की? अनुसंधान अभी जारी है, जो साक्ष्य आएंगे उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सुपौल बिहार से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।